सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय और हमारे ऑडियंस को आप अपना सेट दिखाएं। सेटअप या देख लीजिए। माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक कंपटीशन। तो आप वहां से आए हो ना, कैसा है? मतलब मोटो अकेले सोलो राइड? मैं अकेले आया हूं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज को फाइनली हम लोग का मीटअप होने जा रहा है बहुत ही बड़े आसाम के दिग्गज, बहुत ज़्यादा बड़े आसाम के सुपरस्टार बोले या जो भी बोले वो कम ही होगा, क्योंकि आसाम नहीं उनको तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है। उनका नाम है न्यूज़ बॉय। तो इतना दूर हम लोग सफ़र करके आए थे, न्यूज़ बॉय भैया का बर्थडे था तो उसका लिए मेन राइड स्टार्ट हुआ था मेरा घर से दो तीन दिन आगे से। तो आज को हम लोग फाइनली मिलने जा रहे हैं न्यूज़ बॉय के साथ। तो देरी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कल सुबह उनका बर्थडे है तो रात को कुछ सरप्राइज भी हम लोग सोच के रखा है उनको देने के लिए। तो वो बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ उनका बैठना उठना भी है, जैसे कि आपका फुकरा इंसान, टिगर्ड इंसान, कैरी मिनाटी, सबके साथ उनका जान पहचान है। तो ऐसे के साथ हम लोग मिलने जा रहे हैं, ये तो प्राइड का मोमेंट होने जा रहा है। देरी नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं कल रात को पहुँचाऊँगी यहाँ पर, रात को लोग जान नहीं सका। तो आपको चलते हैं और दूसरा कुछ भी प्लान बनाते हैं, क्योंकि रात को 12 बजे उनको हम लोग अचानक सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं आज को, तो लेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए चलते हैं आज को। न्यूज़ बॉय के घर जो कि ओदालगुड़ी पे है, लेकिन मेन लोकेशन में रिवील नहीं करना चाहता। मैं अभी फिलहाल उनके घर पे हूँ, आप चेक कर सकते हैं ये बाहर का रूम है और ये है उनका घर जो कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ से चलते हम लोग उनके रूम की तरफ। तो उनका घर अभी फिलहाल थोड़ा प्रोसेसिंग पे थोड़ा काम चल रहा है। Here we enter to our biggest star news boy ke ghar. Hi. Hello. ये हमने अभी भाई एक्टिंग कर लिए भाई। बहुत अच्छी एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही, थोड़ी देर पहले हम मिले हुए थे, बात बात के अभी फिर आए, लेकिन चलता है ऐसे ब्लॉग में। तो जैसे कि आपका पहुंच चुका है 1 मिलियन। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आपको कैसा लग रहा है अभी के, मतलब अभी का टाइम में? आपने एक वादा भी किया था कुछ डांस स्टेप आप दिखाने वाले हो, लेकिन वो तो आपने झूठी बोल दिया। वो झूठ बोल दिया मैंने। सब्सक्राइबर्स के लिए यूट्यूबर झूठ बोलते हैं भाई, ये तो है वो जरूर, और मैं भी झूठ बोलता हूँ कभी कभी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और हमारे ऑडियंस को आप अपना सेट दिखाएं। सेटअप या देख लीजिए। All my friends are toxic, all ambition is so rude and always negative. वो चलते हैं, मैं बताता हूँ उनको। जी, ये लाइट है। या एक और लाइट है, मैं यूज नहीं करता, और ये कैमरा जी एक ऑन करता हूँ, बैठता हूँ लैपटॉप है। अभी लैपटॉप को एक डॉक्यूमेंट पे कुछ शूट हुआ है, वो एक बंदा लेके गया है जी। तो यहाँ पे लैपटॉप रहता है, एडिटिंग होता है, अपलोडिंग होता है, और ये माइक है, ये यहाँ पे लगा के फिर बात करना होता है जी। और आप देख सकते हैं जैसे कि ये उनका सेटअप है, सिल्वर प्ले बटन उनको मिल चुका है। यस, और गोल्डन आएगा अभी कुछ ही दिन में। ये सही है। तो वहाँ बताओ, बाकी आप बताओ, मतलब इतने वहाँ से आ गए आप, ऐसे कैसे कर रहे हैं? तो आप वहाँ से आए हो ना, कैसा है मतलब मोटो अकेले सोलो राइड? मैं अकेले आया हूँ मोटो ब्लॉग के लिए, 2 दिन बाद एग्जाम है, फिर भी मेरे को भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो क्या बोला तूने? मैं आया हूँ जाबुन से सेलिब्रेट करने के लिए। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो पे। कल होगा बर्थडे सेलिब्रेशन, कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं, वो नहीं बताएंगे अभी, कल ही पता चल जाएगा। लेकिन ये एक ही वीडियो में अपलोड होगा शायद ना, एक ही वीडियो होगा या दो वीडियो होगा? एक ही होगा, एक ही। तो फिर तो थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा थंबनेल। तो कल होगा कुछ अमेजिंग सोलो राइड ना, सोलो। अब कभी मतलब
अभी सोलो राइड ही करते हो? जी मैं सोलो राइड ही करता, पहले से करता था, सोलो राइड किया है पहले से, काफी इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा मजा आता है, तकलीफ भी होता है। तकलीफ क्या क्या होता है? तकलीफ जैसे कि पिछवाड़े पे दर्द होता है, कमर वमर दर्द होता है, कमर वमर हल्का सा दर्द होता है, ज्यादातर पिछवाड़ा दर्द होता है, थोड़ा रेस्ट ले लेके। हाई स्पीड कितना था? 150 140। 150 रास्ता जैसे कि थोड़ा बढ़िया होने से 140 150 आराम से। आप उस दिन मेरे को पता है वो यूके जैसे राइडर को जब मैं मिलने आया था उसने मेरे को चढ़ मैंने चढ़ा उसकी बाइक में भाई साहब उसने भाई मैं उड़ गया था उसको मैंने ऐसा पकड़ा हुआ था उड़ जाता मैं 190 की स्पीड में देखे गया वो 3 सेकंड में 100 क्रॉस और 190 की स्पीड में मैं उड़ जाता वो साहिल को पूछना मैं उसका हाथ अगर छोड़ दिया होता मैं कहाँ पहुँच चुका होता ऐसे डर लगता है भाई ये बाइक में चढ़ना लेकिन रिक्स का काम भी है थोड़ा बहुत लेकिन मजा बहुत नहीं मेन चीज क्या है ना स्पीड ठीक है स्पीड तो कंट्रोल रहता है बट अचानक कुछ आ जाए तो भाई उसमें कोई चांस ही नहीं है तो खत्म ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर से करें क्योंकि क्या हम लोग का मिस्टेक होता है वो सब आप लोग कॉमेंट में बताएंगे तभी हम लोग वीडियो को इम्प्रूव कर पाएंगे। और वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का उस पर आप लोग जरूर से क्लिक करें क्योंकि हम लोग इतना दूर दूर जा जा के वीडियो बनाते, कुछ मिलता तो है नहीं फिर भी हम लोग वीडियो बनाते और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग अगले अगले वीडियो बनाने के लिए कुछ नए नए आइडिया सोचेंगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम लोग का भी मन बैठ जाएगा और वीडियो बनाने का मन नहीं जाएगा तो ऐसा उनसे तो यूट्यूब आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप लोग चाहते हो कि आसाम से कि हम लोग का इधर से भी कोई अपर आसाम से भी कोई एक यूट्यूबर निकले जैसे विकास दा, डिंपू दा, न्यूज़ बॉय ऐसा कुछ यूट्यूबर बन के निकले जैसे कि मैं, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। और जैसे कि इतना बड़ा स्टार से मिला हूँ न्यूज़ बॉय तो सबका सपना होता है कि वो अपने जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर से मिले, जैसे कि छोटा यूट्यूबर का ऐसा कुछ सपना होता है, जैसे मैंने स्टार्ट किया है तो मेरे को मालूम है ऐसा सपना होता है तो मैं मिला हूँ। तो ये सब वीडियो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें वीडियो के लिए और शेयर कर दे, आप लोग शेयर करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें और कमेंट जरूर करें और बताएं कि हम लोग मतलब मेरा क्या कमी हो रहा है वीडियो पे वो आप लोग बताएं और तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू।